मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में द सेकंड सेक्स के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे द सेकेंड सेक्स का ऑलरेडी मैंने समरी अपलोड कर दिया है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जिसका टाइटल है फेमिनिस्ट थियोरी तो अब जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं हैप्पी लिटरेचर ने अब बुक भी लॉन्च कर दिया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी पे बहुत ही सिंपल सा बुक है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो बाइंग सोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप उसे जरूर से चेक करिए तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द सेकेंड सेक्स तो इस बुक की जो ऑथर है सिमोन बोवा इन्होंने क्या सोच के इस टाइटल को रखा द सेकंड सेक्स इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो हम देखेंगे फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट है द अदर इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द सेकंड सेक्स सो दिस नोट्स यू कैन यूज फॉर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सो विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन

तो इंसान का जन्म क्यों हुआ है उसके पीछे क्या रीजन है ये सब चीजों को जब पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट तो ये जो बुक है सेकंड सेक्स ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है इस पर बैन भी लगा दिया गया था लेकिन बाद में इस बुक को पब्लिश किया गया इसको रिलीज किया गया इनफैक्ट बोवा जो है सबसे ज्यादा अपने इसी बुक के लिए जानी जाती है और ये बुक सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है सो वॉट इज सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म फेमिनिज्म वेव ऑफ अ फेमिनिस्ट मूवमेंट विच स्टार्टेड इन सिक्सटी हाउ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म फेमिज्मिज्मिज्मली ऑन द सफरेज मीन द वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो फेमिनिस्ट किस चीज पर फोकस करती थी सफरेज पर मतलब वुमेन्स के राइट पर वोटिंग राइट्स पर प्रॉपर्टी राइट्स पर, राइट पर लीगल राइट्स पे सेकेंड वेव ऑफ़ फेमिनिज्म में ये एरिया थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया जिसमें जो इश्यूज थे वो और ऐड हो गए सेक्शुअलिटी पे लोग बात करने लग गए डोमेस्टिक वॉयलेंस फिर वेमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स पर बात होने लग गई वेमेंस के रिप्रोडक्टिव राइट्स मतलब राइट कि वो बच्चा चाहती है या नहीं अभी वो बच्चे के लिए प्रिपेयर है या नहीं या फिर अगर हो गया है तो उसको अबॉप्ट कर सके ये सारी राइट्स पर डिस्कशन शुरू हो गया था इन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में सो इन दिस बुक द ऑथर द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द प्रेजेंट सोसाइटी एज वेल एज थ्रू आउट ऑल ऑफ हिस्ट्री तो इस बुक में ऑथर ने क्या डिस्कस किया है वीमेन के ट्रीटमेंट को लेकर कि कैसे वीमेन को ट्रीट किया जाता है प्रेजेंट सोसाइटी में प्लस शुरू से कैसे ट्रीट करते आ रहे हैं लोग सो दिस वर्क इज पब्लिश इन टू वॉल्यूम्स पहले वॉल्यूम्स जो है वो है फैक्ट्स और मिथ और जो दूसरा वॉल्यूम है वो लिव एक्सपीरियंस ओके ना लेट्स सी व्हाई द ऑथर हैज दिस बुक एज अ सेकंड सेक्स सो द टाइटल सेकंड सेक्स हैज नथिंग टू डू विद द सेक्सुअलिटी यहाँ पे सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ है इनफैक्ट ये जो वर्ड ये जो टाइटल है द सेकेंड सेक्स ये वीमेन के स्टेटस को डिफाइन करता है वेमेन के सेकेंड स्टेटस को डिफाइन करता है मीन द सेकेंड पोजिशन ऑफ वुमेन इन द ह्यूमन सोसाइटी देन हु इज इन द फर्स्ट

वेर एज विन आर इन्फीरियर दे आर इनशियल कम्पेयर टू मैन एंड होल्ड सेकेंड पोजिशन स्टेटस इन ह्यूमन सोसाइटी तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा ये टाइटल का क्या मतलब है द सेकेंड सेक्स इन दिस वर्क ऑथर आर्ग्यूज दैट द ऑपरेशन ऑफ वेमेन इज सोशली कंडीशन इट मींस देर इज नो नेचुरल फैक्टर थ्रू विच वन कैन कंसिडर विमेन इन्फीरियर टू मैन सबोर्डिनेट टू मैन इट इज सोशली कंडीशन मतलब अगर हम नेचुरली देखेंगे तो मैन और वुमेन में जो डिफरेंस है वो क्या है उनके फिजिक को लेके जो डिफरेंस है बस वही है और उसके थ्रू हम ये नहीं बोल सकते कि वीमेन जो है मैन के कंपैरिजन में इंफीरियर है डेलिकेटेड है उनका इंटेलेक्चुअल कम है ये सब चीजें कौन बनाया है सोसाइटी ने बनाया इसलिए बोला गया कि इट इज सोशली कंडीशनड इन बबाज एग्जिस्टेंशियलिस्ट टर्मिनोलॉजी मतलब बबाज के एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी के हिसाब से देखा जाए दैट द मैन सेट्स हिमसेल्फ एज द एप्सोल्यूट एप्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट और सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम कुछ बात कर सके इंपॉर्टेंट चीज विषय जिसके अंदर जान है और वहीं वुमेन की बात करें तो वुमेन क्या है ऑब्जेक्ट है उसको अदर बोला जाता है अदर शी इज ऑलवेज डिफाइंड इन डिपेंडेंस ऑन दी मैन सो द टाइटल द सेकेंड सेक्स सजेस्ट दैट वुमेन आर नॉट व्यूड एज फुल एंड इक्वल ह्यूमन बीइंग्स इन सोसाइटी but rather as a subordinate group that is defined in relation to men this view is reflected in the book's opening sentence book ka jo ek opening sentence hai wo dekho bahut hi important hai one is not born but rather becomes a woman matlab jo bhi characteristic hai jisse hum kisi bhi इंसान को woman define करते हैं woman बोलते हैं तो वो उसी तरीके से पैदा नहीं होते बल्कि वो society उसे बनाती है जैसे कोई छोटी बच्ची को kitchen utensils पसंद आते हैं मतलब किचन सेट्स पसंद आता है टॉय के रूप में गुड़िया पसंद आता है तो उनको पैदा होते ही वो उनका चॉइस नहीं होता उसे वो दिया जाता है गुड़िया दिया जाता है किचन सेट्स दिया जाता है तब उसकी वो चॉइस बन जाती है आप लोग ने भी कई जगह सुना होगा कि लोग कहते हैं कि लड़कियों में या औरतों में वो मदरली इंस्टिंगट रहता ही है नेचुरली पर ऐसा भी नहीं है ये इंस्टिंक्ट भी सोसाइटी के थ्रू ही डेवलप होता है क्योंकि जो लड़कियाँ होती है बचपन से देखते आती है कि बच्चे को संभालने का काम किसका है उसकी मदर का है या फिर कोई भी फीमेल मेंबर जो है वो बच्चे को संभालती है तो वो जो बचपन से देखते आ रहे है तो वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है इसलिए कोई भी लड़की या औरत बच्चे को इजीली हैंडल कर लेते हैं बवा आर्ग्यूज दैट वीमेंस आर नॉट नेचुरली इंफीरियर टू मैन बट वेदर आर मेड टू बी सो थ्रू कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स दैट परपेचुएट जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड इनइक्वालिटीज परपेचुएट मीन्स टू कॉज समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम So what she is saying here that women are not naturally inferior to men but because of the society because of the culture they fail to prove their self the significance of the title lies in its challenge to the traditional view of women as inferior and the assertion of women's equality with men सो दिस टाइटल हाइलाइट्स द नीड फॉर वुमेंस लिबरेशन एंड द नीड्स टू चैलेंज एंड चेंज द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स दैट परपेचुएट जेंडर इन सो थ्रू दिस टाइटल ऑथर हाइलाइट्स द नीड टू चेंज द वुमेन्स कंडीशन इन द सोसाइटी द बुक हैज बीन इन्फ्लुन्शियल इन द फेमनिस्ट मूवमेंट एंड कंटिन्यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज चलिए आप कंक्लूजन को देखते हैं ओवरऑल द टाइटल द सेकेंड सेक्स इज सिग्निफिकेंट और यू कैन से इम्पोर्टेंट और अप्रोप्रिएट बिकॉज इट चैलेंजेस द डोमेंट नरेटिव डोमिनट नरेटिव क्या है जो सदियों से कहते आ रहे हैं लोग वुमेन ऐसी है वैसी है वुमेन को हमेशा मेन के सबोर्डिनेट होकर रहना चाहिए वुमेन फिजिकली वीक होती है ये सारी जो बातें हैं जो डोमिनेंट बातें हैं उसको चैलेंज किया है इस बुक ने और इस टाइटल ने सो द टाइटल चैलेंज द डोमिनेंट नरेटिव अबाउट वुमेन्स प्लेस इन दोसाइटी एंड एसर्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी इट हैज बिकम अ लैंडमार्क वर्क ऑफ फेमिनिस्ट थियोरी एंड रेलिंग क्राई फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ओके ना वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक The other. तो इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का सेम रहेगा जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है वही रहेगा तो आप इसे वापस से देख सकते हैं ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछ सकते हैं फाइव मार्क्स के क्वेश्चन में लेकिन आप फिर भी इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको अब तक का वीडियो अच्छा लगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो जो कॉन्सेप्ट है दी अदर इसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया इसका क्या मतलब होता है इसका भी यही है वुमेन का जो सेकेंड पोजिशन है सोसाइटी में उसी से रिलेटेड है ये भी तो इसको हम नोट्स के थ्रू समझते हैं इन द सेकेंड सेक्स सिमोन द बोवा इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर टू डिस्क्राइब हाउ विमेन आर सीन एज डिफरेंट दो ऑथर ने इस फ्रेज को इसलिए यूज किया ताकि वो ये इजिली डिस्क्राइब कर सके कि वेमेन की क्या पोजिशन है मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में पेट्रियोरिकल सोसाइटी में वुमेन की क्या पोजिशन है उनको किस तरीके से देखा जाता है तो उनको अदर देखा जाता है जो इंपॉर्टेंट है जो सब्जेक्ट है वो है मैन और वुमेन क्या है अदर तो बेसिकली हम अदर कब कहते हैं जब किसी चीज को हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते इम्पोर्टेंट चीजों को हम उसके नाम के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी सारी चीजों को हम अदर बोल देते हैं तो वैसे ही विमेन है मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में सो इन दिस बुक दिस फ्रेज द अदर इज यूज टू डिस्क्राइब हाउ विमेन आर सीन एज डिफरेंट alienated and excluded from the male dominated world according to bova the concept of the other applies to any group of people who are seen as different or inferior by the dominant group तो ये जो टर्म है अदर वो किसी भी ग्रुप में अप्लाई हो सकता है जो भी डोमिनेंट ग्रुप है और उसके कंपैरिजन में जो वीक है उसको अदर बोला जाता है तो चाहे हम जेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर कास्ट सिस्टम में देखें तो जो वीकर ग्रुप है उसको अदर कहा जाता है बट दिस टर्म इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू वेमेन इन पेट्रियोकल सोसाइटी द अदर रिफर्स टू द वे इन दिन आर सीन एज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम मैन एंड हाउ दिस डिफरेंस इज यूज टू जस्टिफाई देयर सबोर्डिनेशन मींस इट इज यूज टू जस्टिफाई देयर सेकेंड पोजिशन इन द सोसाइटी द आइडिया ऑफ द अदर सजेस्ट दैट वेमेन आर नॉट सीन एज फुल्ली ह्यूमेन फुल्ली तो ह्यूमन कौन है कंप्लीट ह्यूमन कौन है मैन बट रेदर एज अ सेपरेट एंड लेसर कैटेगरी ऑफ बीमेन आर व्यूड एज पैसिव इमोशनल एंड इेशनल एंड इन कंट्रोल बाबा आर्ग्यूज दैट वुमेन आर मेड इन टू द अदर बाई सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट शेप देयर लाइफ फ्रॉम चाइल्ड तो बाबा बोल रही है कि वुमेन को इस कैटेगरी में कौन लाया सोसाइटी के नॉर्म्स ने सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस ने सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो विमेन को चाइल्डहुड से मतलब उनके बचपन से उनसे यही एक्सपेक्ट करते आ रहे कि तुम यही करो तुम घर को संभालो तुम बच्चों को संभालो तो ये सारी चीजों के वजह से वीमेन इस कैटेगरी में आई है गर्ल्स आर टॉट टू बी फेमिनिन एंड टू कन्फॉर्म टू जेंडर नॉर्म्स विच लिमिट देयर अपॉर्चुनिटी एंड रेनफोर्स देयर स्टेटस एज सेकेंड क्लास सिटीजन तो जो फेमिनिन क्वालिटी है लड़कियों में बाय डिफॉल्ट नहीं है बल्कि ट्रेनिंग के थ्रू बचपन से उनको वही सब चीजें सिखाया जाता है कि तुम्हें अच्छा दिखना है अपने अपीरेंस पे ध्यान दो, लड़कियों का ये काम होता है घर संभालना होता है बच्चे संभालने होते तो ये सारी ट्रेनिंग उनको बचपन से दिया जाता है इसी है। इसीलिए उनके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होता ऑब्जेक्ट ऑफ मेल डिजायर एंड कंट्रोल तो ये जो अदर की क्वालिटी है, है किसके थ्रू लैंग्वेज के थ्रू सोशल रोल्स के थ्रू और कल्चरल स्टेरियोटाइप्स के थ्रू जिसके वजह से विमेन जो है एक ऑब्जेक्ट बन के रह गई है इंडिया में भी एक फेमस डायलॉग है कि ये काम सीख लेने तो ससुराल में जाके क्या करेगी मतलब बचपन से ही उसका रोल डिफाइन किया जा रहा है दी कॉन्सेप्ट ऑफ दी अदर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हेल्प टू एक्सप्लेन द वे इन विच वार्जिनलाइज एंड ऑपरेज इन सोसाइटी इट हाई लाइट द नीड टू चैलेंज जेंडर स्टेरियोटाइप एंड टू वर्क टूवर्ड्स अ मोर इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी तो फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो अगर ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय